नमस्ते जी, कैसे हो आप? सब लोग ठीक हो? तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बर्गर। ये बन ला रखी हूँ और बर्गर बनाने जा रही हूँ। आलू उबाल के रख दिए, अब इसकी तैयारी करती हूँ। तो चलिए डालते हैं इसमें आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक डाली हूँ और हरी मिर्ची डाल दी। दो हरी मिर्ची है और आधा चम्मच डाल दी चाट मसाला और आधा चम्मच डाल दी गरम मसाला। और एक चम्मच डाल दी कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा और डाल दी। तो अब चलो इसको मिलाते हैं। तो ये मिल गया अच्छी तरह से मिला दिया। चलो बनाते हैं पेटी। सही बन रही है, टूटे फूटे नहीं कोने से, तो उसको अच्छा से करूं। हो गई ना गोल। तो मैं डालती हूँ चावल का आटा। चार चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। चार पेटीज है ना, तो चार बर्गर बनेंगे, तो चार चम्मच डाल रही हूँ आटा। ये डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो मैं इसको घोल रही हूँ और ज़्यादा भी नहीं घोलना है। दिया चावल का आटा और इसमें ये मिला दिया, तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है कॉर्नफ्लोर। तो अब इनको तलते हैं। तो चलते हैं इनको तलते हैं। और तेल हमारा गरम हो गया। अभी हमारी पेटीज बन रही है।
तो हमने बर्गर कर दिए और ये पेटिस भी हो गई। अब शुरू करते हैं, चलो बनाना। मोनिस इसको थोड़ा सा फैला देती हूँ। इस पर लगाती हूँ सॉस। इसको भी फैला देते हैं। तो लगाती हूँ दो प्याज। एक टमाटर। इसके बाद लगाते हैं पेटिस। बहुत ही अच्छी बनी है। चीज थोड़ा सा चीज घिसते हैं। अब इसको लगा देते हैं। सीधा अब देखो बनाना। अच्छा दिख रहा है। तो मैं लगाती हूँ इनका इस पे बटर तवा पे। तो मैंने बटर लगा दिया। अब सेकती हूँ। ज्यादा नहीं सेकना है इनको, हल्का सा गर्म करना है। और हमारे पेटिस भी अच्छी लग रही है देखने में, और बर्गर भी घर में बना है तो ऐसा ही होगा, तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ, और बंद गोभी तो मिली नहीं बाज़ार में, तो बंद गोभी नहीं डाली इसलिए। वीडियो बन गया। तो हमारा बर्गर बन गया है, और आपको भी अच्छा लगे तो आप ही बनाना। और मिलती हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना।